अलवर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग अलवर की तरफ से स्वरूप विलास होटल में राष्ट्रीय दलित सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अनुसूचित जाति विभाग राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नितिन राउत, कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय सचिव प्रभारी उड़ीसा श्री भंवर जितेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सचिव रविंद्र दलवी, प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाराम मेघाव, एसपी सिंह, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अलवर श्री टीकाराम जुली, जिला प्रमुख रेखा राजू, समन्वयक जयपुर सभारी प्रभारी श्री राजेंद्र बेरवा, राष्ट्रीय महासचिव महिला कांग्रेस श्रीमती ममता भूपेश, विधायक भजनलाल जाटव, कार्यक्रम संयोजक श्री खेमचंद्र धमाणी, जिला सचिव कांग्रेस अलवर श्री नीरज कुमार तोनगारिया सहित हजारों कार्यकर्ता व कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। पांडे की भूमिका ने मामले को दिया थी। इस बात पे प्रकाश डाला, आज जो माहौल देश के अंदर पैदा किया जा रहा है, अलवर का माहौल आपके सामने है, राजस्थान में किस प्रकार ट्रैक्टरों से दलितों को कुचला जा रहा है वो आपके सामने है, हरियाणा के अंदर किस प्रकार दलितों के बच्चों को जलाया जा रहा है वो आपके सामने है, गुजरात महाराष्ट्र उड़ीसा तमिलनाडु एक बहुत लंबी लाइन है। आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर आज जो जहर घुल गए दलितों के प्रति, वो उसकी देन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी। जहां रोहित वेमुला जैसे हमारे देश के भविष्य को इस प्रकार से चारों तरफ से घेर दिया जाता है कि उसको आत्महत्या करनी पड़ती है, उसकी हत्या की जाती है, या आज शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे युवा जा रहे हैं उनको रोक